ना करती है ऐसे इंसान को भी। युबलियान कुल्ल जदीद व यातियान बिकुल मऊद, उसको पुराना करके उसकी मंजिल तक पहुंचा रही है। अनकरीब मैं आप सारी दुनिया के इंसान अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। वक्त बहुत थोड़ा है और दुनिया की ज़िंदगी भी बहुत कम है। अंजरिन्नास मेरे हबीब, लोगों को डराओ। यौम यातीहुमुल अज़ाब, जब अल्लाह की पकड़ आएगी। इदा वक़अतिल वाक़िया लैस लिवक़अतिहा काज़िबा हाफिज़तुर राफ़िया, इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, इज़ा अश्शम्सु कुवरत इज़ा अन्नुजूमु इन्कदरत إذا البحار سجرت إذا البحار فجرت وانشق القمر وانشقت السماء فهي يومئذ واحية। ये सारी कायनात जिस दिन टूटेगी उस दिन से इन सब को डरा, इन सब को बता कि तुम सब की एक मुद्दत है। अजल मुसम्मा जो तय हो चुकी है। ला यस्तखिरून सअ वला यस्तकदिमून, ना वो आगे जाएगी ना वो पीछे जाएगी। भाई मुबीन साहब की वालदा मोहतरमा अल्लाह के पास पहुंच गई, लेकिन ये बहुत बड़ा पैगाम छोड़ गई कि बेटा दुनिया में कोई हमेशा नहीं रहेगा, यहाँ सिर्फ रहने वाला अल्लाह है, नीचे सब के लिए फना तय हो चुकी है। लिहाजा मेरे भाइयों, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अपने अल्लाह को हम राज़ी करें, अपने अल्लाह से ताल्लुक़ बनाएं। मखलूक को राज़ी कर कर के उम्र बीत गई और ये जालिम मखलूक फिर भी राज़ी नहीं हुई। जितना कोई राज़ी करना चाहता है उतने ही उसमें रंज व आलम पैदा होते हैं, उतने ही उसमें नाराज़गियाँ पैदा होती हैं। एक दफ़ा किसी को थोड़ा सा रुख फेर लो किसी मजबूरी से तो वो तुम पे फतमे लगा देते हैं, सारी उम्र की मोहब्बत पे पानी फेर देते हैं। औरत बीवी होकर भी मेरे नबी ने फरमाया, एक मर्तबा कभी औरत की बात ना मानो तो वो खुले मुंह से कहेगी, मा रही तमिन का खैर कत्तु, मैंने तो तुझसे कभी खैर देखी नहीं है। एक थोड़ी सी सामने मेरे बात आई तो मैंने बीवी से मिसाल दे दी, चूँकि मेरे नबी ने दी। ये इस दुनिया की हालत है कि हम इसको राज़ी करना चाहते हैं, किधों राज़ी हो जावे किवी मान जावे, पर मेरे रब की कसम कभी नहीं हो सकता। चूँकि इस दुनिया की सरिश्त में गद्दारी धोखा बेवफाई है, लिहाजा इंसानों से उम्मीदें ख़त्म करो, उस अल्लाह से उम्मीद लगाओ जिस जो इज़्ज़तों वाले है। इज़्ज़त चाहते हो तो इन्नल इज्जत लिल्लाह जमीया, अल्लाह के पास इज्जत है। कुव्वत चाहते हो, इन्नल कुव्वत लिल्लाह जमीया, सब ताकतें अल्लाह के लिए हैं। कफा बिल्लाह वकीला, कफा बिल्लाह रकीबा, कफा बिल्लाह नसीरा, अल्लाह से बड़ा कोई मददगार, अल्लाह से बड़ा कोई साथी, अल्लाह से बड़ा कोई दोस्त कोई नहीं है। लिहाजा अल्लाह से लो लगाओ, मखलूक से आंखें चुरा लो। मुख्तसर जिंदगी है, अनकरीब अल्लाह के पास मैं आप पहुंच जाएंगे। वो कैसा खूबसूरत वक्त होगा, वो क्या लम्हे होंगे जिनसे अल्लाह मोहब्बत से बात करेगा। अल्लाह मोहब्बत, इंसान मोहब्बत का जुमला बोलते हैं तो कितनी खुशी होती है। इजहार मोहब्बत को ये कह दें, मौलाना मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तो मौलाना तो खुशी से फूले नहीं समाते। भाई मैं आप पे मरता हूँ को ये कह दें तो हम तो हवाओं में उड़ने लग जाते, कितनी खुशी होती है। एक आदमी का इजहार मोहब्बत आदमी को राहत अता करता है, और जिसको अल्लाह इजहार मोहब्बत करे उसकी क्या कैफियत होगी। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके लिए जिब्राइल आ गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है अबू बकर का हाल तो पूछो, कैसे हैं, अब ठीक हैं। तो अल्लाह के नबी हैरान हो गए, अबू बकर वो तो ठीक ठाक है, उसने तो मुझे कोई शिकायत नहीं की। आपने बुलवाया और पूछा, हाँ मियाँ जी
और खैर तो है, आज अल्लाह आपका पूछ रहे हैं, अल्लाह ने पूछा है अबू बकर कैसे हैं, क्या हुआ था अबू बकर? कया रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पूछा है? कहा अल्लाह ने पूछा, कहा मेरे सारे गम खत्म हो गए। हुआ क्या था? कया रसूल अल्लाह 7 साल हो चुके थे, मेरे दांत में दर्द था और मैंने आपको नहीं बताया, बस मैं अल्लाह से बात करता था, तो मुझे सेहत मिल गई, अचानक मैं रात ठीक हो गया, तो आज अल्लाह पूछने आ गया, मेरे सारे गम दूर हो गए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये है अल्लाह की मोहब्बत। अय्यूब अलैहिस्सलाम जब ठीक हो गए तो किसी ने पूछा, ख़ारिश हुई थी ऐसी ख़ारिश कि जिसमें 18 सेकंड गुजारने भी बड़े अजाब, 18 साल गुजारे, अल्लाह ने सेहत दी। बाद में किसी ने पूछा, अय्यूब बीमारी के दिन याद आते हैं? कहाँ, हाँ, बीमारी के दिन सेहत के दिन से अच्छे थे। कहो कैसे? का जिन दिनों बीमार था आसमान से एक मरतबा पुकार आती थी, अल्लाह पूछता था, अय्यूब क्या हाल है? उस पूछ में इतनी लज्जत और मिठास होती थी कि मैं सारे गम भूल जाता था। भाइयों, वो क्या मंजर होगा जिस दिन अल्लाह फरमाएगा, जाओ मखदूम पुरवालो, तुम्हारा रब।